हेलो फ्रेंड्स, मैं हुरीनी, आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ पोटैटो पैनकेक। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। मैंने इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। इसमें मैंने कोई भी मसाला यूज नहीं किया है। बच्चे इसको बहुत पसंद करेंगे। आप इसे टोमेटो सॉस या चाय के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। पोटैटो पैनकेक बनाने के लिए मैंने 3 आलू लिया है। इसे अच्छे से छील लिया है। अब हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। सारे आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। 2 मिनट तक हम इसे पानी में ही रहने देंगे ताकि आलू का कलर चेंज ना हो। दो मिनट बाद आलू को पानी से छान के निकाल लेंगे। अब हम इसमें 2 प्याज लंबे लंबे काट कर ऐड कर देंगे। फिर 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे। नमक हम स्वाद के अनुसार ऐड करेंगे और अच्छे से सबको मिक्स कर देंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो गया है। अब चलिए इसे फ्राई करते हैं। मीडियम हीट पे एक पैन को गरम करेंगे और जब पैन गरम हो जाए तो इसमें 2-3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। ऑयल गरम होने के बाद हम आलू को चम्मच की हेल्प से इस तरह पैन में डाल देंगे और ऊपर से इस तरह प्रेस करके एक शेप देंगे। ध्यान रहे, मीडियम लो फ्लेम पे हमें सारे पैनकेक को पकाना है। एक साइड अच्छे से पकने में 3-4 मिनट लग जाता है। आप 1-1 मिनट के बाद पलट पलट कर पकाएं। इससे आपका पैनकेक अच्छे से पकेगा। लो मीडियम हीट पर आप पकाएंगे तो 7-8 मिनट में आपका पैनकेक अच्छे से पक जाएगा। लीजिए, हमारा पैनकेक बनकर रेडी है। आप इसे टोमेटो सॉस या चाय के साथ खा सकते हैं।